कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ वनमंडल में नर्मदा विकास योजना के तहत अर्धन डैम का वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री मोहम्मद अकबर व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत थी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअली लोकार्पण नर्मदा विकास योजना के तहत मनेंद्रगढ़ वनमंडल के भोता में बने अर्धन का किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण व कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा, डीएफओ लोकनाथ पटेल, साथ ही फॉरेस्ट अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भोता में नर्मदा विकास योजना के तहत 65 लाख के डैम का लोकार्पण सीएम के द्वारा वर्चुअली किया गया, जिससे 40 परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। उस खारी नाला में करीब 441 स्ट्रक्चर है और 15 किलोमीटर लंबाई की वो जो नाला है उसको उपचारित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार से बोल्डर चेक डैम, बुरसवुट चेक डैम, गैबियन चेक डैम, एनीकट एम अर्धन डैम, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और उसमें से ये अर्धन डैम जो गांव की सीमा के पास था, राजस्व लैंड और फॉरेस्ट लैंड में, जिसमें कुल लंबाई, उस अर्धन डैम की लंबाई 220 मीटर है और गहराई 10 मीटर था। और इस तरह से कुल कैचमेंट एरिया 55 हेक्टेयर है उनका, और उससे 40 परिवार को 30 हेक्टेयर में सीधे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं सिंचाई के लिए। और इसके अलावा अन्य परिवार हैं वो निस्तार के लिए उनको लाभान्वित होंगे। साथ ही वहाँ पर गोठान बना हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ गोधन के लिए भी, पशुओं के लिए पानी के भी व्यवस्था होगी। मछली पालन को भी इससे लाभ मिलेगा? हाँ, मछली पालन के भी प्रचुर संभावनाएं हैं और धीरे से उसके लिए समिति बनाकर उसको संबंधित मछली पालन के लिए भी आगे व्यवसाय प्रारंभ किया जाएगा।